वेलकम बैक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इस ऑब्जेक्टिव क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। चलिए एवरीवन रेडी, तो लंच के बाद फिर से क्लास शुरू हो रहा है और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर द ब्रेक। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ फोर सबस्टांसेज पी क्यू आर एंड एस आर 1.50, 1.36, 1.77 एंड 1.31 रेस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन द सबस्टांस। ऑप्शन देखिए, अब आप बताइए कि किस सबस्टांस में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगा। यहाँ चार सबस्टांस दिया गया है, एक दिया गया है पी क्यू आर और एस। पी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.50, 1.36, क्यू का आर का 1.77 और एस का 1.33। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा इफ एन इज ग्रेटर, ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। डेंसिटी भी ज्यादा होगी इज मोर, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा डेंसिटी होगा, और जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उसमें लाइट का स्पीड जो होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। यानी n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। यदि n ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम है, n कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। यहां हमें से पूछा क्या जा रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगा, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन चारों ऑप्शन में देखिए तो किसका कम है, तो s का, है ना। तो आंसर क्या है, डी 70% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है और ये सही जवाब है s। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह गिरा। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ फोर मटेरियल्स ए बी सी एंड डी आर 1.33, 1.43, 1.71 एंड 1.52 रेस्पेक्टिवली। व्हेन द लाइट पास फ्रॉम एयर इनटू दीज मटेरियल्स दे रिफ्रैक्ट द मैक्सिमम इन। बताइए मैक्सिमम रिफ्रैक्शन किस में होगा। यहां क्या दिया गया है, ए बी सी और डी चार मटेरियल है और चारों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.33, 1.43, 1.71 और 1.52। पूछा क्या जा रहा है, व्हेन द लाइट रेज पासेज फ्रॉम एयर दीज मटेरियल्स दे रिफ्रैक्ट मैक्सिमम इन, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन किस में होगा। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन किस में होगा, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मोर रिफ्रैक्शन। जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा वहां पर, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो उतना ही ज्यादा वह रिफ्रैक्शन होगा और किधर होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ होगा, है ना, टुवार्ड्स की तरफ नॉर्मल। जितना ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगा उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो सबसे ज्यादा आप देखिए यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मटेरियल सी का, है ना, सी मटेरियल का। इसलिए सबसे ज्यादा आपका लाइट का रिफ्रैक्शन किस में होगा, मटेरियल सी में। ऑप्शन सी 61% स्टूडेंट्स के द्वारा जवाब दिया गया और ये सही जवाब है, मटेरियल सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज 3/2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर विल बी। ऑप्शन देखेंगे, ये रहा ऑप्शन, जवाब दीजिए। देखिए कैसे बना, आंसर आया 4/6 51% स्टूडेंट्स के द्वारा और ये सही जवाब है 4/6। किस तरह से वो मैं बताता हूं। यहां बताया जा रहा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी एयर टू ग्लास, ग्लास में गया यानी एन जी ए, एयर टू ग्लास इस तरह से लिखते हैं, ग्लास में प्रवेश किया एयर से, ठीक है। एन जी ए का दिया कितना है, ए एन जी, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, क्लियर। यह दिया हुआ है 3/2, ये आपको दिया हुआ है कितना, 3/2। आपसे पूछा क्या जा रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम
ग्लास टू एयर, अब पूछा जा रहा है क्या, एन ए ग्लास टू एयर, एयर में जाएगा कहां से, ग्लास से, यानी कि रिवर्स कर दिया। तो हम लोग जानते हैं वन बाई, हम लोग जानते हैं क्या, एन जी ए इज इक्वल टू वन बाई एन ए जी, ये जानते हैं ना हम लोग, उल्टा हो जाता है, यानी थ्री बाई टू का यहां पर उलट रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टू बाई थ्री हो जाएगा, है ना, क्लियर है, रिवर्स हो जाएगा। तो दैट मीन्स टू बाई थ्री तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा, इससे ऊपर भी टू से और नीचे भी टू से मल्टीप्लाई किए तो फोर बाई सिक्स, तो आंसर हमारा सी हो गया, फोर बाई सिक्स सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, देखिए आपका अगला क्वेश्चन रीड कर लिए आप लोग, यस वेरी गुड, और ऑप्शन देख लीजिए, ये रहा ऑप्शन, अब जवाब भी दे दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि चार मीडिया ए बी सी एंड डी और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इन दीज मीडिया एट इक्वल एंगल्स, चारों में एक ही एंगल से, समान एंगल से इंटर किया, तो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मिनिमम। यहां ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितना ज्यादा रिफ्रैक्शन हुआ, है ना, मोर रिफ्रैक्शन नहीं, कितना ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ वो नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसमें कम होगा ये आपको बताना है। तो यहां आपको दिया हुआ है ए बी सी और डी, चार मीडियम, चारों का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.44, 1.52, 1.36 और 1.65 और डी का है 1.36। और हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन भी मैक्सिमम होगा, तो रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, तो रिफ्रैक्शन मैक्सिमम किस में होगा आपका, ये सी में, है ना, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन सी में होगा। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा नॉर्मल की तरफ मूव कौन करेगा, सी में, सी में, है ना, इसलिए यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा, एंगल आर जो होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हुआ और मैक्सिमम रिफ्रैक्शन किधर हुआ, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, इसलिए एंगल आर जो है वो सबसे कम होगा किसमें, आपका मीडियम सी में। तो ऑप्शन का जवाब है सी, और ये मात्र 43% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया। ओके डोंट वरी, आप समझ गए कि क्या कारण है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन अष्टांश एक्स इज 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दैट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सबस्टांस विल बी, और इस सबस्टांस का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लिए, यहां क्या दिया गया, स्पीड ऑफ लाइट एक्स में क्या है आपका, वी एक्स है आपको दिया हुआ 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पूछा जा रहा है क्या, और एयर का दिया हुआ है स्पीड ऑफ एयर लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमें बताना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट सबस्टांस, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट सबस्टांस एन एक्स रिलेटिव टू ए, है ना, तो हमारे को क्या होगा, ये जो पहले वाला है इसका ऊपर लिखाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, क्लियर, एक्स से डिवाइड करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एक्स में कितना है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ से 10⁸ कट गया, ये ऊपर गया, 00 आ गया 100, अब काटिए 25 × 25 से 2500, 4×5 20, 25, है ना, ये फिर आपको हो गया क्या 12 × 12/5 दैट इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 2.4, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स कितना आ गया 2.4, ये हो गया हमारा ए ऑप्शन सही जवाब है 53% स्टूडेंट्स का, और ये सही जवाब है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेज ऑफ फोर सबस्टांसेज पी क्यू आर एंड एस आर 1.77, 1.50, 2.42 एंड 1.31 रेस्पेक्टिवली व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन दीज सबस्टांसेज एट इक्वल एंगल्स द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मैक्सिमम इन ऑप्शन. देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहां पूछा जा रहा है क्या कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम किसमें होगा. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम किसमें होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा किसमें, जहां रिफ्रैक्शन मिनिमम होगा, जहां रिफ्रैक्शन मिनिमम होगा उसी में होगा, है ना. और रिफ्रैक्शन जो मिनिमम होगा वो किसमें होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा वहां. तो ये कंडीशंस हो गया, है ना. तो किसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से कम है, सबसे कम, तो आप एस देखिए, एस सबस्टांस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है 1.31. तो एस सबस्टांस में जो लाइट इंसिडेंट करेगी वो सबसे कम रिफ्रैक्ट करेगी आपका नॉर्मल की तरफ. इसलिए यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा बाकी तीनों की तुलना में. इसलिए आंसर क्या है, डी है. 53% स्टूडेंट्स के द्वारा जवाब दिया गया और ये सही जवाब है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज. ऑप्शन देखिए, ये जवाब इसका याद होना चाहिए आपको कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कितना होता है, 1.33. 74% स्टूडेंट्स को याद है और उन्होंने सही जवाब मारा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऑलवेज रिमेंबर्ड 1.33. एग्जाम में आ जाएगा और याद रहेगा तो भी जवाब दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर विल बी. बड़ा सिंपल है, उल्टा करके पूछ रहा है तो उल्टा करके जवाब दे दें. हमें दिया हुआ है क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना, क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ऐसे ही लिखते हैं ना इसे. ये दिया गया है 4/3. हमसे पूछा क्या जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर. तो ये बाद में लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका रिवर्स हो जाएगा. ये हम लोग जानते हैं कि ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n, है ना, 1/n ए डब्ल्यू, है ना, यही ना होता है. तो उल्टा हो जाएगा तो दैट इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा. अब आप 4 से 3 में डिवाइड कीजिएगा, है ना, तो ये डिवाइड कीजिएगा तो ये 0.75 टाइम्स में कट जाएगा. दैट मीन्स ऑप्शन सी सही है. 81% स्टूडेंट्स का जवाब है और ये सही जवाब है. वेल डन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ वाटर सल्फ्यूरिक एसिड ग्लास एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर 1.33, 1.43, 1.53 एंड 1.63 रेस्पेक्टिवली. द लाइट ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन. लाइट किसमें स्लोएस्ट ट्रेवल करेगा, तो हम जानते हैं मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर डेंसिटी. और जितना ज्यादा डेंसिटी होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वहां स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, लेस होगा, है ना, कम होगा, लेस होगा. यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वह आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. क्लियर, तो बता दीजिए लाइट ट्रेवल स्लोएस्ट किसमें होगा, यस, कार्बन डाइसल्फाइड में, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63, है ना, और इसीलिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. इसलिए लाइट सबसे स्लो ट्रेवल करेगा किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में. और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना, 1.53, है ना, ओके. तो कार्बन डाइसल्फाइड हमारा सही आंसर है. और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर विल बी.
अब बताइए क्या होगा। यहां आपको दिया गया है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एन जी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो इधर लिख दें, ये कितना दिया गया है 3/2, और दिया गया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना दिया गया है 4/3, ठीक है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हमें अब पूछा क्या जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज व्हाट, क्या होगा, अब आप बताइए। तो यहां हमसे पूछा जा रहा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट मीन्स हम लोग इसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी एन जी ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ओके। तो ये आपका वैल्यू आप यहाँ पर अब डालिए ऊपर में, है ना, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर हट गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है 3/2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया 4/3, क्लियर है। तो दैट मीन्स डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू क्या हो गया, एयर तो कॉमन है दोनों में, तो ये तो हट ही गया, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हमारे को हो गया 3/2 इंटू, है ना, 3/2 इंटू, अब ये क्या है 3 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन का सिंबल है। अब ये हो जाएगा 9/8, अब 8 से 9 में डिवाइड कीजिए, तो ये आपको कट जाएगा 1.125, यानी आंसर आ गया 1.125, तो डी ऑप्शन सही है, 56% स्टूडेंट्स का सही जवाब है, ओके। तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद पुनः हम लोग मिलते हैं, तो थैंक यू।